तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लासिक 350 रिबॉर्न क्रोम ब्रोंज वेरिएंट में बैक सीट निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी लुक कैसे आती है। तो सबसे पहले चलते हैं डीलरशिप पे, वहाँ पे मुझे थोड़ा काम भी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या टूल्स नेसेसरी है और निकलती कैसे है बैक सीट और निकलने के बाद लुक कैसे आती है बाइक की, है ना। तो लेट्स गो। तो इन्हीं दो टूल्स के हमें सेट चाहिए, 12mm और 17mm। 12mm वाले सेट में एक टी स्पैनर और एक कोई भी नॉर्मल स्पैनर 12mm का, और कोई भी दो 17mm के स्पैनर। दो टूल्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि एक से हम बोल्ट को पकड़ेंगे और दूसरे से नट को लूज करेंगे। सबसे पहले हमें सस्पेंशन वाले नट्स को लूज करना है, और ध्यान रहे हमें इसे पूरी तरीके से खोलना नहीं है, जस्ट लूज करना है। उसके बाद फ्रंट सीट यानी राइडर के सीट के नीचे वाले बोल्ट को पूरी तरीके से खोलना है। अब इस मेन बोल्ट को निकालने के बाद और सस्पेंशन वाले नट्स को लूज करने के बाद हमें बस बैक सीट को स्लाइड ऑफ करके निकालना है, बट अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो दोनों तरफ के सस्पेंशन वाले नट्स को हमने लूज किया था उसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गाइस, क्लासिक 350 रिबॉर्न क्रोम ब्रोंज कलर में बैक सीट निकालने के बाद लुक कैसे आती है ये देखो। इसका जो यहाँ पे एक्सल लगता है वो बैक के अंदर है, और बैक पूरा बंद भी नहीं हो रहा था ना, तो ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। A few moments later. बस चलो देखते हैं, अभी ये जीरो पे है तो पूरे सीट को रख देता हूँ। तो ये है पूरी सीट, और इसका वजन दिखा रहा है 4419, और ये जो एक्सल इसके थ्रू जाता है इसको भी अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो अब टोटल वजन है 4522 ग्राम। द नेक्स्ट डे,
यही था गाइस इस वीडियो के लिए, क्लासिक 350 क्रोम ब्रोंज इन सिंगल सीट। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ मैं, ऐसे राइड्स पे जाते हैं हम, है ना। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।